नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। इस खबर के प्रायोजक है रुक्मणी सिटी, हमारा सपना घर हो अपना। इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट रुक्मणी सिटी जेवर टप्पल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर ऑल मॉडर्न अर्बन नाइट प्रोजेक्ट नियर बाय ग्रेटर नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। माइक नीचे करो, नॉर्मल क्या पकड़ना। ये आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग बनी हुई है और ये रुकाया जो बैटरी होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और यहाँ काफ़ी आग लगी हुई थी। उसके अंदर जैसे इन्फॉर्मेशन आई फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुँची और लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड ने इनिशियल लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बाद में दूसरी तमाम एजेंसी NDRF एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचा। इसके अंदर टोटल 14 आदमी इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से एक पब्लिक का आदमी है जो यहाँ चौकीदार है। उसके अलावा अपना काम करते हुए जो फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स हैं जो आग बुझाने के काम में लगे हुए थे वो इंजर्ड हैं 13 के आसपास। और क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग का पोर्शन आगे स्टील से और साथ में प्लास्टिक से बना हुआ है और पीछे वाला जो पोर्शन था उसका लेंटर कोई अंदर कंप्रेशर या किसी तरीके का कोई ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से पिछला जो पोर्शन है वो ढह गया। उसके ढहने से अंदर मलबे के अंदर फायर ब्रिगेड के पुलिस कर्मी थे जवान को निकाला गया है। उनको बालाजी एक्शन हॉस्पिटल और संजय गांधी हॉस्पिटल में भेजा गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है। सर टोटल कितने इंजर्ड निकले? एक इंजर्ड के अंदर होने की संभावना है जिसकी तलाश की जा रही है। सर जो चौदह निकाले गए एक सिविलियन है जो कि यहाँ चौकीदार है इस बिल्डिंग का। उसके अलावा 13 जो है वो फायर ब्रिगेड के। सर ये क्या केमिकल्स वगैरह भी था क्योंकि बैटरी थी तो शायद अंदर केमिकल रहा हो? बिल्कुल, जो बैटरी बनती है तो उसमें एसिड वगैरह यूज होता है, प्लास्टिक यूज होता है, कुछ वायर हैं प्लास्टिक के पुराने बैटरीज हैं तो काफ़ी कंपोस्टेबल और इनफ्लेबल आइटम्स हैं जिसकी वजह से आपको काबू पाने में काफ़ी। सर कर्मचारी थे क्या? क्योंकि सुबह सुबह आग लगी थी क्या अंदर कर्मचारी वगैरह थे? काम चल रहा था जैसा इनको बताया है, यहाँ पर मैनेजर्स ने बताया उनसे बात हुई है, कर्मचारी नहीं थे बिल्डिंग का, कोई एक आदमी नहीं। सर कितना परसेंट हिस्सा है जो कोलैप्स कर गया बिल्डिंग का? हम देख पा रहे हैं लगभग पूरी पीछे का पूरा हिस्सा करीब करीब कोलैप्स किया है। सर फायर क्या कंट्रोल में है क्योंकि आग आगे की बिल्डिंग में भी अब हम देख रहे हैं बढ़ रही है? फायर कंट्रोल में है लेकिन धुआं उठ रहा है क्योंकि पीछे से मलबे को जो उठाया जा रहा है उठाने में बीच बीच में से कुछ कुछ थोड़ा बहुत फायर निकल रहा है तो लगातार अभी काम चल रहा है और ये अभी कंप्लीट अभी आग बिजी नहीं है, कंप्लीट काम करने में थोड़ा समय लगेगा। सर कोर्ट वाले बता पाएंगे और ये तो लास्ट बाद में पता चल पाएगा, अभी तो पहले रेस्क्यू ऑपरेशन करना इंपॉर्टेंट है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। Thank you.
आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।